28 नवंबर 2019 महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा खेल आज समाप्त हो गया जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज्य भारत और मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में कई दिनों से खेले जा रहे टेस्ट मैच का। चौंकी ये नहीं, या कोई क्रिकेट का मैच नहीं, बल्कि ये तो राजनीतिक खेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस खेल की शुरुआत होती है 24 अक्टूबर जब महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर चुनाव होते हैं। अब यहाँ बहुमत साबित करने के लिए किसी पार्टी को 145 या उससे अधिक सीटों की ज़रूरत होगी। परिणाम आया और पता चला कि भाजपा को 105 सीटें मिली, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली। अच्छा, अन्य पार्टियों को भी 29 सीटें मिली। अब सरकार कौन बनाए, बहुमत तो किसी के पास भी नहीं है। अब चूंकि चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना एक साथ नजर आ रहे थे तो ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि सरकार इन दोनों के गठबंधन से बनने वाली है। पर चुनाव के बाद दोनों के मध्य कुछ जरूर हुआ जिससे दोनों की संयुक्त सरकार नहीं बन पाई। अब सुनने में यह भी आया कि बीजेपी चाहती थी कि सीएम 5 साल तक बीजेपी का ही हो, जबकि शिवसेना चाहती थी कि दोनों पार्टियां ढाई ढाई साल तक का कार्यभार संभालें। मतलब ढाई साल मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास रहेगा और ढाई साल तक मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास रहेगा। अब मतभेद हुए तो शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ बात करनी शुरू कर दी। 9 नवंबर को महाराष्ट्र में गवर्नर ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया, पर बीजेपी के पास समर्थन नहीं होने की वजह से बीजेपी ने न्योता अस्वीकार किया। अब 10 नवंबर आया तो गवर्नर ने शिवसेना को न्योता दिया सरकार बनाने का। शिवसेना को 24 घंटे का समय दिया गया, पर शिवसेना जो है 48 घंटे का समय मांग रही थी। अब यह मांग गवर्नर ने अस्वीकार कर दी। फिर 12 नवंबर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब यह राष्ट्रपति शासन 10 दिन तक चला। शिवसेना ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी। शिवसेना अब तक एनसीपी और कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप बढ़ा चुकी थी। 22 नवंबर की शाम यह खबर मिली कि उद्धव ठाकरे नए सीएम होने वाले हैं। 23 नवंबर की सुबह सब कुछ अचानक से बदल गया। लोग जैसे ही उठते सबके टीवी स्क्रीन पर यह खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस फिर से सीएम बन चुके हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे हैं। अब ये काफी चौंकाने वाला फैसला आया था। खास बात यह है कि सुबह 6 बजे से पहले ही राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया था और 8 बजने से पहले ही नई सरकार बना दी गई थी। अब आपको ये भी बताते चलें कि एनसीपी वही पार्टी है जिस पर भाजपा सालों से आरोप लगाती आ रही है। यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यह तक कहा है कि एनसीपी का मतलब ही है नेशनल करप्ट पार्टी। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि अजीत पवार वही इंसान हैं जिस पर 70,000 करोड़ से ज़्यादा घोटाले का केस चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने यूटर्न कैसे ले लिया, कैसे एक करप्ट पार्टी के साथ सरकार बना ली। खैर, ये तो बीजेपी ही बता सकती है। सुनने में यह भी आया कि बीजेपी दूसरे पार्टी के MLAs को 100 करोड़ प्रति MLA में खरीदने की कोशिश भी कर रही थी। अब इसमें खैर कितनी सच्चाई है ये तो बीजेपी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं। बीजेपी चाहती थी कि फ्लोर टेस्ट 30 नवंबर को हो, पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये फ्लोर टेस्ट 27 नवंबर को ही होगा और इसका परिणाम लाइव दिखाया जाएगा। खबरों से पता चला कि 25 नवंबर को अजीत पवार के सारे पाप धुल गए हैं और उन पर चल रहा केस भी खत्म हो गया है। मामला काफी बिगड़ रहा था जिसके चलते 26 नवंबर की शाम को देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ पहले ही बात कर चुकी थी तो शिवसेना का बहुमत साबित होना लाजमी सी बात थी। बहुमत साबित करने के साथ साथ 28 नवंबर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कई दिनों से चले आ रहे इस राजनीतिक खेल पर अंकुश लगाया है। दोस्तों, ये था महाराष्ट्र की राजनीति पर स्वराज्य भारत परिवार का दृष्टिकोण। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।